आसपा संपूर्ण खबर को धामनगर उपनिर्वाचन को नहीं हटचमट स्वाधीन प्रार्थी हो पारती राजेन्द्र दास सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं बढ़ला चर्चा राजू दास फैन क्लब आह्वान अवंती को बीजेडी टिकेट मिलवा पर असंतुष्ट अच्छा कि पूर्वतन विधायक राजू दास सोशल मीडिया समर्थकों चर्चा जे स्वाधीन भाव में करेंगे नामांकन दाखल एने राजेन्द्र दास बासभवन में समर्थकों भिड़ जमी स्वाधीन प्रार्थी होगा नहीं राजेन्द्र दास को नवेदन करेंगे समर्थक यदि राजेन्द्र दास स्वाधीन प्रार्थी न होंगे तेरे अन्य विकल्प पंथा आपणाइबे बोली सीधा सीधा सुनाई एकाधिक समर्थक तेरे राजेन्द्र दास धामनगर प्रार्थी हेले आसंता काली प्रार्थीपत्र दाखल करी पारंती राजेन्द्र धामनगर पर स्वाधीन भाव में प्रार्थी दाखल करते राजेन्द्र कारण सोशल मीडिया समर्थकों भितर एक भिन्न प्रतिक्रिया देखा मिलू समस्त भितर चर्चा जे स्वाधीन भाव में नामांकन दाखल करेंगे एने राजेन्द्र दास बासभवन में समर्थक मान प्रबल भिड़ देखा मिलू स्वाधीन प्रार्थी होगा नहीं राजेन्द्र दास को नवेदन करेंगे समर्थक यदि राजेन्द्र दास स्वाधीन प्रार्थी न होंगे तेरे अन्य विकल्प पंथा आपणाइबे सीधा सीधा सुनाई राजेन्द्र दास एकाधिक समर्थक तेरे राजेन्द्र दास धामनगर प्रार्थी हेले आसंता काली प्रार्थीपत्र दाखल करी पारंती स्वाधीन भाव में धामनगर उपनिर्वाचन को नहीं हटचमट स्वाधीन प्रार्थी हो पारंती राजेन्द्र दास बालेश्वर भली धामनगर उपनिर्वाचन रे बीजेडी जितिबो एहा कहिछन्ति खाद्य जोगाण मंत्री अतनु सब्यसाची नायक तेबे बीजेपी एवं कांग्रेस मध्यरु तृतीय स्थान रे किए रहिबो सेने प्रतियोगिता चलीछि धामनगरवासी बिजु जनता दल सहित अछन्ति विजय व्यवधान केते अधिक हेबो सेने दल काम करूछु बोली कहिछन्ति अतनु तेबे बीजेडी ओडिसावासींकर दल बीजेपी दल बीजेपी जेउ बाहासपट मारुछि ताहा ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन फलाफल स्पष्ट करिछि बीजेपी तृतीय स्थान को चली जाई मिशन शक्ति रे आज 75 लाख महिला जोड़ी होती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रमिला विषय को संसद पठाइबा परे लोकसभा बाचस्पति प्रशंसा करिछन्ति धामनगर अवंती दास को प्रार्थी करिछि बीजेडी तेबे तिहिडी ब्लॉक अध्यक्ष अवंती को प्रार्थी करिछि दल निर्वाचन आपण बिजू जनता दल माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे ये दल जो चली लोकंक दल लोक माने निष्पत्ति नहीं विगत दिन मानक जिते उपनिर्वाचन बीजेडी जयजुक्त आपण ब्रजराजनगर देखु एवं जो दल बाहस्फोट मारुले बीजेपी दल जे लड़ई कर बिल्ली सी तीन नंबर को खसी आस निर्वाचन रे बिजु जनता दल सफलता हम निश्चित भाव एवं व्यवधान बहुत भल व्यवधान आम प्रार्थी जितबे शुणु बालेश्वर में निर्वाचन सरला बीजेपी आसन थिला बिजु जनता दल हाथ को आसला ना ना ब्रजराजनगर आपण देखिले एपण जिते निर्वाचन एवं उपनिर्वाचन देखुं निश्चित भाव केवल व्यवधान केते हम से अन्य जो विरोधी दल अच्छा से माने दुई नंबर तीन नंबर भी से भीतर प्रतियोगिता चलो विजु जनता दल नेता होती सर्वमान्य नेता होती नवीन पटनायक ये दल गोटे श्रृंखलित दल एवं ये दल आम किभली भाव में साधारण लोकों सहित जो भाव रही लोकों श्रद्धा स्नेह को लेकर ये जितापट सबु निर्वाचन नहीं निर्वाचन में धामनगर उपनिर्वाचन पर प्रार्थीपत्र दाखल कले कांग्रेस प्रार्थी बाबा हरेकृष्ण सेठी एक विराट शोभा हरेकृष्ण नामांकन भरी पूर्व से बाबा आखंडमणि मंदिर को जा पूजार्चना करते मंदिर में पूजार्चना करने प्रार्थीपत्र दाखल करने को निज समर्थकों सहित बाहरी पेशारे वकिल हरेकृष्ण कांग्रेस पुराणा लोक वर्तमान से राजीव गांधी पंचायत संगठन धामनगर ब्लक सभापति धामनगर ब्लक एससी सेल सभापति अच्छा कांग्रेस हरेकृष्ण लगी समस्ते एकाठी हो लड़े छजण विधायक जगिबे छटी जिला परिषद जोन ब्रजराजनगर फलाफल भली फल पाइबा चेष्टा कर कांग्रेस केन्द्र और राज्य सरकार विफलता को अस्त्र कर दल युवक छात्र और महिला एकाठी कर लोकों आस्था भाजन हो कांग्रेस ब्रजराजनगर फलाफल तो आम द्वितीय स्थान को आसचु आम प्रथम स्थान को जीव जो फलाफल आम पाइल तलसरा और लखीमपुर नवीन बाबू मुख्यमंत्री थे बीजेडी बीजेपी मेंट था मुझे सौभाग्यक्रमे पीसी सभापति सीधा सड़क बीजेडी सहित फाइट हम त्रिमुखी प्रतिद्वंदी हम तेज
कांग्रेस ब्रजराज नगर को आगो आगो जाकि प्रथम स्थान अधिकार धामनगर मोर जन्म तेणु धामनगर निर्वाचन मंडल जनसाधारण माने मो परिवार सदस्य तेणु मो परिवार पाई जदि दरकार पड़े बाबा सेठी जीवन दे देवाई पछेबनी से आत्मविश्वास मोर अच्छी तेणु जनसाधारण मान सेवा करी मो परिवार बोली भाबी तबे मु निश्चित आगर रही बोली मोर विश्वास अच्छे। अच्छा परवर्ती खबर को कटक पटामुंडाई केनाल ले भासी जाए तीन युवक निखोज घटना बहु खोजाखोजी परे समस्त निखोज मानकर मृतदेह उद्धार करा जाए छि। आगरु दुई जनकर मृतदेह उद्धार करा जाए थिबा बेले शेषरे नीलू साहूंकर मृतदेह उद्धार होइछि। अग्निशम बाहिनी एवं ओड्राफ पक्षरु सर्च ऑपरेशन करा जाए समस्त मृतदेह उद्धार करा जाए छि। गतकाली कटक जगतपुर अंचल रे घटीथिला एही अघटन गजलक्ष्मीकर भसाण रे आसी मूर्ति विसर्जन करथुबा समय रे चारि जण युवक केनाल ले भासी जाइथिले और सेमानक मधुरु जणको स्थानीय लोके उद्धार करथिले। अन्य तीनि जण त्रिलोचन महला नीलू साहू एवं बादल साहू निखोज होइ जाइथिले और सेमानक मधुरु प्रथमे त्रिलोचन और बादल को मृतदेह मिलिथिला या परे नीलूंकर मृतदेह मिलिछि। ए घटना परे समग्र अंचल रे शोकाकुल परिवेश खेलि जाइछि। दरदाम वृद्धि प्रसंगे पुणि थे मुहांमुही होती बीजेडी और बीजेपी। खाद्य जोगाण मंत्री अतनु सबेसाची नायक कहते कि दरदाम वृद्धि साधारण जनता को बाधुची दर केमिति नियंत्रण करा से विषय केंद्र सरकार तुरंत चिंता करने दरकार। अत्यधिक दरदाम वृद्धि नहीं असाधु व्यवसायी लोकंकु हैरान करुछंती तांको उपरे नियंत्रण कराजिबा नै राज्य सरकार सचेतन अछंती। खाद्य जोगाण विभाग विभिन्न पदक्षेप नेउछि जिलापाल मानंकु अवगत करा जायछि। तेबे एहा जातीय समस्या दरदाम वृद्धिर विभिन्न कारण रहिछि आ एहाकु रोका जाय पारिबो केन्द्र सरकार पदक्षेप नेबा दरकार। सबरे शासक दलकु काउंटर करिछि बीजेपी। विरोधी दलर नेता जयनारायण मिश्र कहिछंती संघीय व्यवस्था रे दरदाम नियंत्रण करिबा राज्य सरकारक मध्य दायित्व तैलदर नियंत्रण करने केन्द्र सरकार दायित्व हेले मुख्यतः परिवा दर अंडा दर माछ दर नियंत्रण करने राज्य सरकार दायित्व किंतु राज्य सरकार एथिरे फेल होती। वर्तमान समय रे यूरोपीय देश मध्य दरदाम नियंत्रण करे देशर स्थिति भल अच्छी अन्य उपरे दोष देवा छाड़ी निज काम प्रथमे करंतु। दरदाम वृद्धि साधारण जनता को बाधुची एवं जोभली भाव बढ़ी बढ़ी चली विभिन्न जिनसर से खाद्य द्रव्य कहतु अन्न्य सामग्री कहतु तेणु साकु किभली भाव में नियंत्रित करा जीवो से संपर्क में केंद्र सरकार चिंता करने दरकार एवं विचार करने दरकार। तेल दाम डाली दाम ये सब जातीय समस्या कथा हो पारे किंतु परिवार दाम तो जातीय समस्या नुहे परिवार दाम तो राज्य सरकार परिवार दरटा राज्य सरकार नियंत्रण करेंगे तो सब कथा कहले हम ना तो अतनु बाबू को विषय ज्ञान रहा दरकार। बुलिला बुलडोजर भांगिला घर चर्चारे थिबा झींटी त्राही अच्युत आश्रम निकटरे थिबा बेआईन घर को भांगिछि बीडीए। 2015 मसीहारु बेआईन घर उपरे नोटिस जारी करिथिला बीडीए। झींटी मौजारे गढ़ी उठिथिबा बेआईन घर निर्माताकु जारी करा जायथिला बीडीए पक्षरु नोटिस। नोटिस दीर्घ वर्ष पर गतकाली बेआईन घर भांगिबा निमन्ते घोषणा करिबा परे आज डाकबाजी जंत्र साहाज्यरे घर भांगिबा पई आक्शन मोड को आसीथिला बीडीए। नोटिस जारी होइथिबा 22 जनक मध्यरु 12 जन हिताधिकारी रोहितादेश आदेश जारी करिछंती बोली बीडीए कर्तृपक्ष को देखाइबा परे अवशिष्ट 10टी घर भांगिबा प्रक्रिया आरंभ करिथिला बीडीए। प्रथमे बेआईन निर्माण करा उमाकांत दासकर घर उपरे बुलीथिला बुलडोजर। सेबटे बेआईन निर्माण अभियोगे घर भांगिबा नोटिस जारी करा जाय थिले मध्य 12 जनकर घर न भांगिबा नोटिस रोहितादेश जारी करा जाय छि बोली वकील कहिछन्ति। अपरपटे बेआईन निर्माण करा जाय थिबा ने घर मालिकंकु बीडीए पक्षरु नोटिस करा जिबा परे आज ए प्रक्रिया आरंभ होइछि बोली बीडीए अधिकारी कहिछन्ति। देखो बीडीओ पक्षर जो नोटिस जारी करा करथम भाव में घर भंगाई प्रस्तुति चली रही उमाकांत
ଯେଉଁ ତିନି ମହଲା ଘର ସେଇ ତିନି ମହଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପାଚେରୀକି ପ୍ରଥମେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଏବଂ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଘର ମାଲିକ ଏଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯଦିଓ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣାଇବା ପରେ ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 22 ଘର ପାଇଁ ଏଠି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି 12 ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଉମାକାନ୍ତଙ୍କର, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକି ଏଠି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଘର ବିଡ଼ିଓ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କେତୋଟି ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ, କେତେଟା ଘର ପରେ ରହିଥିଲା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶାସନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି 22 ଗୃହର ଡିମୋଲିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ 12 ଗୃହ ଯିଏକି ଆପିଲେଟ ଅଥରିଟିରୁ ଡିମୋଲିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ ଯେଉଁ 12 ଗୃହ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିଡ଼ିଏ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ 10 ଗୃହ ରହିଲା ସେଇ 10 ଗୃହ ଉପରେ ଡିମୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଅପିଲ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିମୋଲିସ୍ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ବିଡ଼ିଓ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘରକୁ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଇ ରହିତାଦେଶ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ 10 ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ବିଡ଼ିଓରେ ତା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ 12 ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜି 10 ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସେବାୟତ ଓ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ହାତାହାତି, ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହେଲେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗୋଛିକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ ଉଭୟ ହାତାହାତି ହୋଇ ମାଡ଼ ମରାମରି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ସିଂହଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ଧୂଳିଆ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକିରି କହୁଛି ମୋ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜିଆ ମାସ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ, ଜୟ ମାସ୍ୱର ପୁଅ, ଆମର ଜୟ ମାସ୍ୱର ପୁଅ ଯେଉଁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ନାଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ରସିଦ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପଣ୍ଡା, ଏଇଠୁ ଯିଏ ଯାତ୍ରୀ ନେବ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବି, ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କର ତାହେଲେ ପୁଣି ହାଣିଦେବି ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଗୋଟିକ ମୋତେ ଧମକ ଜମି ଦେଲା, ମୁଁ ସାଇଟ୍ ହୋଇଗଲି, ଯାତ୍ରୀ ସେ ନେଇକି ଗଲା, ଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଇ ଯାତ୍ରୀ ବି ଆମଦାନୀ କଲା, ପଇସା ବି ନେଲା, ପଇସା ନେଇକି ଆସିକି କହିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବି। ମୁଁ ଆସିକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଦୋଳବେଦୀ କୋଣ ପାଖରେ, ପଛପଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଥର ଦେହରେ ଭାରି ଜୋରରେ ଛେଚି ଦେଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ, ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନ 2 ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯିଏ ମନ୍ଦିରର ପକ୍ଷରେ ସେବାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗୋଛିକାର, ଉଭୟ ଏକ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଯେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି କି ସେବାୟତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିଆ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଉଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୋଳବେଦୀ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ତାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଏବଂ ଉଭୟ ହାତାହାତି ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ତାଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହେଲେ ସେବାୟତ। ସେବାୟତ ଲୋକନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗୋଛିକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା କି ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ
यात्री व्यवसाय को लेकिन सेवायत जो अणसेवायत जो धूलिया यात्री गुमास्ता से प्राय गंडगोल होती घटना घटुच आज नुआ नुहे आ पूर्वर अनेक बार जेटबी को धूलिया यात्री गुमास्ता मैंने आक्रमण कर नजर रही तेणु सेवायत मानक दाबी होती कि जो भाई भाव में जात्री गुमास्ता मैंने व्यवसाय कर सेवायत मान आक्रमण कर श्रीमंदिर भितर को यात्री मान ना बंद कर सेवायत बिना परिचय पत्र जब कौन सेवायत अणसेवायत श्रीमंदिर प्रवेश कर जांच करण कर आगामी दिन में यह अनेक भयंकर पिस्थित सृष्टि हम यात्री व्यवसाय को लेकिन जहाँफल यह हाथ हाथी थाना पर तो निके लोकनाथ मिश्र को बर्तमान सिंहद्वार थाना बर्तमान अटक रखाई लक्ष्मींदर गोचिकार एने एक इतलामतु माड़बाध्य घटना को नहीं पुलिस नहीं थाना तदंत आरंभ कर पचरा करा घटना घटला घटना को लेकिन साधारण तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई सेवायत तेणु जाति व्यवस्था को नहीं घटना जो घटू ताबदे भक्त और भक्त मैंने श्रद्धा मैंने यार शिकार होती तो निश्चित भाव यह श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष एक व्यवस्था आने दरकार जोफल की जो मैंने जात्री गुमस्ता धूलिया रोच जो मैंने श्रीमंदिर भितर को जाती परिचय पत्र जांच होगा दरकार कारण सेवायत मैंने आक्रमण करने फल सेवायत मैंने असंत व्यक्त कर निश्चित भाव में अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त सूचना अर्चना नागफास लेडी ब्लैकमेलर को गोटिए परे गोटिए कारनामा पदाकु आसुची केमिति करुथले अश्लील भिडियो ताहार गुमर मध्य धीरे धीरे खोलुची भुवनेश्वर जागमरा थिबा रंग महल रे एही अश्लील भिडियो सुटिंग करा जाउथला हनी ट्राप रे फसिबा परे एही रंग महल को आसंती ग्राहक चाबी रिंग बल्ब एवं भ्यानिटी रे लागिथाय स्पाई कैमेरा ट्राप सरिबा परे आरंभ हुए ब्लैकमेलिंग और यहा परे डील आउ एग्रीमेंट करंती अर्चना किछि मास तले नयागढ़ जने युव व्यवसायी एही फासरे फसी 50 लाख टंका मध्य देइथिबा कथा वर्तमान सामना को आसीछि उन्तरे कोइ रखुछु जे अर्चना नाग करो जे कला कारनामा रहितला सेतिरे पूणी गोटिए फर्द खोलीछि लेडी ब्लैकमेलर गोटिए परे गोटिए कारनामा वर्तमान सामना को आसुछि केमिति करुथले अश्लील भिडियो सुटिंग तार गुमर मध्य धीरे धीरे खोलुछि भुवनेश्वर जागमरारे थिबा एक रंग महल रे एही अश्लील भिडियो सुटिंग करा जाउथला हनी ट्राप रे फसिबा परे एही रंग महल को आसंती ग्राहक चाबी रिंग बल्ब ओ भ्यानिट बैग रे लागी थाए स्पाई कैमेरा आउ एही स्पाई क्राम कैमेरा रे ट्राप करि सारिबा परे आरंभ होई थाए ब्लैकमेलिंग आउ एहा परे डील ओ एग्रीमेंट करी अर्चना टंका आदाय करि थांती तबे किछि मास तले नयागढ़ रो जने युव व्यवसायी ए फासरे फसी 50 लाख टंका मध्य देइथिबा कथा वर्तमान सामना को आसीछे विभिन्न उपाय माध्यम रे लोकमानंकु एथिरे फसाउथले एवं परवर्ती समय रे सेमानंकर नग्न भिडियो को भिडियो रेकर्डिंग करी फोटो माध्यम रे रेकर्डिंग करी रखुथले अर्चना एवं परवर्ती समय रे सेही फोटो एवं भिडियो रेकर्डिंग को नहीं युवती हुंतु बा युवक हुंतु बा प्रभावशाली व्यक्ति हुंतु बा बिजनेसमैन हुंतु तांकु टार्गेट करुथले एवं मोटा अंकर टंका मध्य तांको थारु आदाय करुथले टंका न देले जीवन नु मारी देबाकु भी धमक देउथले तबे पुलिस गोटिए परे गोटिए एही हनी ट्राप रे फसीथिबा लोकमानंकर खुलासा करिवारे लागिछि प्रथमे प्रभावशाली नेता मंत्री प्रभावशाली व्यक्ति बिजनेसमैन एथिरे फसीथिले वर्तमान धीरे धीरे अन्य केउ माने सब फसीछंती ताहा मध्य गोटिए परे गोटिए खोली चलीछि तबे आउ गोटे कथा मध्य आ भितरे सामना को आसीथिला जे नेता मंत्री माने जेउ मानक सहित अर्चनांकर संपर्क रहितला सेमाने तांकु बहुत बड़ बड़ अनुकंपा मध्य देखाउथले बारवाटी स्टेडियम को खेल देखिबा पई जिबा हेउ वीवीआईपी पास देबा हेउ बा पुलिस अधिकारी मध्य तांकु बाटो कडाई नेउथले केउठारे गाड़ी रखिबे आसे परवर्ती खबर को बद्रीनाथ धाम रे अंबानी परिवार देशर प्रतिष्ठित शिल्पपति तथा रिलायंस इंडस्ट्री रा मालिक मुकेश अंबानी और तांको परिवार आज ऋषिकेश जाई भगवान बद्रीनाथंक दर्शन करिबा सहित स्वतंत्र पूजा अर्चना करिछंते बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समितिर उपाध्यक्ष किशोर पवार तांको स्वागत करिथिले साधारण श्रद्धालुंक भली से मंदिर को जाई प्रभु नारायणंकर दर्शन करिछंते बद्रीनाथंक परे केदारनाथंक मंदिर रे मध्यम पूजा अर्चना करिछंती मुकेश अंबानी आ एही अवसर रे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 2.5 कोटी टंका लेखाए दान करिछंती
हर हर महादेव, हर हर महादेव। महंगा पड़ा हाथी पीठी से बसी शोभा विद्युत तार संस्पर्शे हाथी हाथी दौड़ा लगला और तौक पड़गले कानीराम बापों समेत सबु लोक घटना सामना को आसी गुजरात वाड़वाला मंदिर रे। सूचना अनुसार वाड़वाला मंदिर महंत कानीराम बापूं एक विशाल शोभा आयोजित होता शोभा कानीराम बापू और सहयोगी हाथी उपरे बाहरी हाथी उपरे पालिंकी रही बेले बाबा छता लग जाता तेज मझी रास्त छताटी एक विद्युत तार संस्पर्शे आसी जाता आपर हाथी पगल भि दौड़ा देखा मिलता तेणु हाथी उपरे बसी कानीराम बापूं समेत सहयोगी खसी पड़ते आई घटनार वीडियो सोशल मीडिया भाइराल होबार लगी तेज सौभाग्यवशतः एथिरे कहार किछि क्षति होइनि। दीपिका दिनेश पारिवारिक विवाद मामला राज्य महिला कमिशन को पाखरे हाजर हेले दीपिका आसंता काली पुणी हाजर हेबे दीपिका एसपी को जरिए दीपिकांकर स्वामी दिनेश को हाजर पाई कहा जायतिबा कहिले महिला कमिशन अध्यक्षा मिनती बेहरा आज नुहे आसंता काली हाजर हेबा को उभय पक्ष को कहा जायछि आपस बुझाबणारे हेबो मामलार समाधान तेणु हाजर हेबा को उभय पक्ष को पूर्वरु नोटिस होइतला स्त्रीर अधिकार एवं पुओ को बापार परिचय देबा दाबी रे 72 दिन हेबो दिनेश को घर आगरे धारणारे बसिछन्ते दीपिका।